हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल लिव चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में आप लोग बताने वाला हूँ कि पिक्सआर्ट से जो है अपना बैकग्राउंड कैसे फोटो का इमेज का जो है चेंज कर सकते हैं। कैमरे से जो भी फोटो लिया गया है उसका बैकग्राउंड चेंज करके आप जो है ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा किस टाइप का आप कैसे ले सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वाली जो फोटो है हम इसको जो है कैमरे से जो है कैप्चर किए हैं और ये वाली फोटो जो है हमने पिक्सआर्ट से इसको जो है बैकग्राउंड चेंज किया है, तो आप भी कैसे कर सकते हैं वो भी 10 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा आप जो है इसको कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोग बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग जो है मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी के आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आइए मैं आप लोग बताता हूँ सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग जो अपने फोटो खींचे हैं तो आप लोग यहाँ से जो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग करते जाइएगा। क्रोम ब्राउज़र यहाँ से ओपन करने से आपको जो है यहाँ पे क्या टाइप करना है मैं दिखा रहा हूँ। ये जो लिखा है रिमूव डॉट बी जी, इसको ही टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ remove.bg और इसको क्या करना है आप लोग को सर्च कर देना। आप लोग जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट में जो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, इसको जो है आप लोग को ओपन करना है। आप इसको जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोग को देखिए ये वाला आपको जो है सिलेक्ट फोटो का ऑप्शन देगा। आपको यहाँ से जो है क्या करना है सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फोटो पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ब्राउज़र का ऑप्शन आएगा कि आप जो है ब्राउज़र यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपका फ़ोटो जहाँ से भी होगा जाके उसको जो है यहाँ पर लेना है। मैं दिखाता हूँ आपको मेरा फ़ोटो कहाँ पर है। मैं फ़ोटो जो है डाउनलोड किया हूँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये फ़ोटो मैं डाउनलोड किया था और इस फोटो को जो है कैसे इसकी इसको लेना है मैं बता दे रहा हूँ। ये जो देखिए अपलोड हो गया, आप लोग जैसे उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे अपलोडिंग में मात्र 5 सेकंड में जो आपका बैकग्राउंड को जो है क्या कर देगा क्लियर कर देगा, इरेज कर देगा। इरेज करने के बाद आप लोग क्या करना है अपना जो देखिए ये इरेज कर दिया। आप लोग यहाँ से क्या करना है मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग करते जाइएगा। आप लोग यहाँ से इसको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है आप लोग को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और जो मैं इमेज आप लोग को वहाँ पर दिखा रहा था वो इमेज जो है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। वो इमेज जाके बैकग्राउंड का जो है इमेज आप जो है लोड कर लीजिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या करना होगा आपको। अब आपको सीधा आके आपका जहाँ भी पिक्सआर्ट है पिक्सआर्ट को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना पिक्सआर्ट रखा हूँ, मैं यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से अपना पिक्सआर्ट ओपन कर रहा हूँ। ये फ़ोटो देखिए सेम ऐसा ही फ़ोटो आप लोग का भी ऐसा ही बनेगा। देखिए ऐसा ही फ़ोटो आप लोग का बनेगा। तो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से मैं इसको जो है मैं एडिट किया था वो वाला फ़ोटो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग को यहाँ से बैक आ जाना है। आप जैसे ओपन करेंगे आप लोग को अब ढूंढना है कि आपका इमेज कहाँ पर है। तो मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा जो इमेज मैं डाउनलोड किया था इमेज कहाँ पर है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ ये वाला इमेज है, देख रहे हैं ये इमेज है। मैं इस इमेज को जो है यहाँ पर ओके करके ले लेता हूँ। ये इमेज ले लिया। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को जो पिक्सआर्ट में ऐसे स्लाइड करके आना है। यहाँ पे नीचे देखिए ऐड फोटो का जो ऑप्शन आ रहा है, ऐड फोटो देखिए यहाँ पे नीचे ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। ऐड फोटो जैसे क्लिक करेंगे आप लोग आपने जो है फ़ोटो डाउनलोड किया है मेरा, देखिए ये फ़ोटो जो है डाउनलोड किया हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ले ले रहा हूँ और इस फ़ोटो को लेने के बाद यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर आप अपने हिसाब से आप देखिए इसको घटा बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद इसको ऊपर ये देखिए ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आपको जो है क्या कर देना ओके कर देना है। आपका देखिए फोटो रेडी हो गया। थोड़ा सा आप इसमें और एडिट कर सकते हैं, क्या एडिट इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए आपके सामने थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट खुल जाएगा। देखिए इफेक्ट से ये होगा कि आपका जो है फोटो और पीछे का बैकग्राउंड जो है एक में जो है आपको जो शो करने लगेगा। देखिए देखिए यहाँ से ऐसा फ़ोटो आप लोगों को जो है शो करने लगेगा। आप जो है फिल्टर पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको आके क्या करना है, यहाँ से आपको आपके आपको जो है यहाँ से फिर इधर सेव पे क्लिक करके नीचे सेव पे आपको क्लिक कर देना है। और ये फ़ोटो आप जैसे आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ोटो अपने फ़ोटो में आप चलेंगे, मैं यहाँ से फ़ोटो देखिए ये फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो गई। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो थैंक यू गाइस।